नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। उत्तर प्रदेश में कभी कोरोना वायरस का केंद्र रहा कानपुर, एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां पर एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। बीते दो दिनों में यहां एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव केसों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसके चलते प्रशासन भी इसे लेकर काफी चिंतित है। वहीं बात की जाए लोगों की, तो लोग अभी भी अब कोरोना वायरस के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करता हुआ दिखाई दिया। इस पूरी कार्रवाई में खुद मोहित अग्रवाल, आईजी कानपुर रेंज, एसपी सिटी समेत तमाम शहर के आला अधिकारी लोगों को रोक रोक कर उन्हें मास्क वितरित करते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका चालान भी किया गया, साथ ही उन्हें कड़ी हिदायत भी दी गई। अधिकारियों ने बसों में चलकर भी अंदर बैठे यात्रियों को भी मास्क के प्रति जागरूक किया। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कानपुर में कोरोना के केस बढ़े हैं, पहले जहां हम लोग प्रतिदिन करीब 30 कोरोना केस पर डे आ रहे थे, अब बढ़कर के पुनः ये लगभग 140-150 तक पहुंच चुके हैं, तो ये एक चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। और इससे बचाव का एक ही तरीका है कि सभी लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसीलिए कानपुर नगर में आज ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके में सभी अधिकारी सड़कों पर उतर करके स्वयं मास्क का इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो उनको हम लोग मास्क फ्री में बांट भी रहे हैं। इसके अलावा लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं और ये कार्रवाई अब निरंतर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।